जो टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद हाउ कंपनीज स्टोर देयर डेटा। ठीक है, अब अभी तक जो डेटा हमने यूज किया है वो डेटा पाइथन में हमने स्टोर किया है किस फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है जी, वो वेरिएबल चाहे सिंगल थे, चाहे हमने लिस्ट ली, चाहे टपल ली, चाहे डिक्शनरी ली, जो भी डेटा हमने स्टोर हो रहा था वो सब डेटा टेम्परेरी था। कहने का मतलब आपने सॉफ्टवेयर चलाया, आपने डेटा स्टोर किया, आपने बिल बनाया, आपने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, अब आप अगली बार आके देखना चाहो कि मेरा पुराना डेटा क्या था, आप नहीं देख सकते क्योंकि वही डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रैम। ठीक है, रैम में डेटा तब तक रहना जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है या जब तक इलेक्ट्रिसिटी करंट दे रही है। तो मूवमेंट आपका सिस्टम बंद, वो डेटा क्या हो गया। ठीक है, तो हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसके थ्रू हम अपना डेटा क्या कर सके, स्टोर कर सके परमानेंटली। ठीक है, राइट। सो अब वो डेटा कैसे स्टोर होता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। मल्टीपल मेथड्स हैं बट दो तरीके जो मेन यूज होते हैं, एक यूज होता है फ्लैट फाइल्स एंड एक यूज होता है डेटा इन फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ फ्लैट फाइल्स, ठीक है जी, इसका मतलब पीछे एक नॉर्मल फाइल बनेगी जैसे नोटपैड जैसी फाइल। ठीक है, जिसमें आपका सारा डेटा जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये अप्रोच हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा स्मॉल साइज में है और हमने उसे ज्यादा मैनेज नहीं करना, तब हमारा डेटा कहां पे जाके स्टोर कर सकते हैं हम, फाइल्स के अंदर। वो हम सीखेंगे, उसके लिए कंसेप्ट आएगा हमारे पास फाइल हैंडलिंग। कौन सा कंसेप्ट है? फाइल, वो हम सीखेंगे। जब आपको डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, डेटा तो स्मॉल है प्लस आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, तो तब आप कौन सा मेथड यूज कर लेते हो, फाइल्स, फ्लैट फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर कर लेते हो। ठीक है, बट अगर आपका डेटा मीडियम टू लार्ज लेवल पे है, ठीक है जी, और आपको वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए, रिकॉर्ड वाइज वे में चाहिए, तो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, आरडीबीएमएस। ठीक है जी, आज का जो मेरा फोकस है वो आरडीबीएमएस के ऊपर है, उसकी थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, ताकि उसका बेस कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स। ठीक है, वन इज डेटा एंड सेकेंड इज, तो इन दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंज करके यूज करते हैं। तो जब हमारा दिल करता है हम डेटा कह देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है जी, आपने बुक की डेफिनेशन का जरूर रट्टा लगाया होगा। ठीक है जी, राइट, बट अगर उसके अकॉर्डिंगली भी चले तो सबसे पहले अगर हम डेटा से स्टार्ट करें तो डेटा हम किसे कहते हैं, रॉ फॉर्म। चलो ठीक है, बुक में लिखा था रॉ फॉर्म और मटेरियल चाहिए, ओके, प्रोसेस फॉर्म में नहीं है। चलो मैं डेफिनेशन, अगर आप लोगों ने टेक्निकल पढ़ा हो तो आपको कहा जाता है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। ठीक है जी, राइट, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने इसे समझना है, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ, ये बुक्स में नहीं है बट अपनी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एनीथिंग दैट यू कैन स्टोर इज डेटा, एनीथिंग दैट यू कैन स्टोर इज डेटा। ठीक है, राइट, तो अभी अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप कॉपी में लिख रहे हो वो डेटा। ठीक है, आप लोग बाहर घूमने गए कहीं पे, आपने फोटोज क्लिक कर ली, आपके मोबाइल में जाके स्टोर हो गई, क्या है, डेटा। ठीक है, राइट, सो जो भी आप स्टोर कर रहे हो वो क्या है, डेटा, ये पहले कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब इसको आप किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आप रॉ बोलो। ठीक है जी, पहले समझ लेते हैं फिर उसको आपको डेफिनेशन भी समझा देंगे। इंफॉर्मेशन है दैट इज योर आउटपुट, जो हमें चाहिए, तो जो भी हमें काम करने के लिए चाहिए, ठीक है जी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे। सो अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे कि आपने लेट्स सपोज नोट स्टोर कर रहे हो, तो आप इसे क्या बोलोगे, डेटा।
अब आप घर गए, आपको था कि कल टेस्ट है यार, मैं पढ़ लेता हूँ, आपने उसी फाइल को खोला, ठीक है, अब आप उसे डेटा नहीं, आप उसे इन्फॉर्मेशन बोल रहे क्योंकि अब वो आपको चाहिए काम करने के लिए। तो जब आपको कोई चीज़ काम करने के लिए चाहिए आउटपुट फॉर्म में, आप उसे क्या बोलते हो, इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब आपने फोटोज क्लिक कर ली, ठीक है जी, राइट, वो आपकी गैलरी में जाकर स्टोर हो। अब आप घर जाकर देख रहे यार वो घूमने गए थे मनाली, फोटोज निकालते हैं। अब आपने गैलरी खोली, आपने वो मनाली वाली फोटोज निकालनी है, अब आप उसे क्या बोलोगे, आपको जो चाहिए काम करने के लिए वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गया बात? तो जो डेटा है वही कुछ देर बाद क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, राइट। द ओनली डिफरेंस इज, जो कि आप डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा, इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, इन्फॉर्मेशन इज डेटा को प्रोसेसिंग करते हो इन्फॉर्मेशन निकल आती है। प्रोसेसिंग किसी भी तरह की हो सकती है। When I talk about processing, processing can be of many forms. जैसे for example, आपने sort करना है, आपने filter करना है, आपने उसमें कुछ calculate करना है, plus minus greater than less than जो भी आपने सीखा वो करना है, this is all processing. अब हमने कहा कि हमने photos click कर दी, चलो मनाली गए थे, store हो गई, अब हम घर आके कहते हैं मैंने मनाली वाली photos देखनी है, तो अब आपकी gallery में बहुत सारी photos हैं। अब आप एक एक करके filter करोगे, अच्छा ये मनाली वाली नहीं है, ये नहीं देखनी, ये मनाली वाली ये देखनी है, ठीक है जी। सुबह आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसमें से सिर्फ वही चीज निकाल रहे हो जो आपको चाहिए। आ रही है बात समझ में? सो जब डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन। आ रही बात समझ में? अब फॉर एग्जांपल अमेज़न है, अमेज़न के पास हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया, मोर देन 16 करोड़ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, राइट। सो ठीक है, सो अब आप अमेज़न के पास गए, ठीक है, लेट्स ओपन अमेज़न। अब Amazon के डेटाबेस में सारा डेटा, ठीक है, जो स्टोर है, सो Amazon पे गए, ठीक है, हमने यहाँ पे जाके लेट्स सर्च किया, फॉर एग्जांपल आई वांट एक्सटर्नल, ठीक है, वन डेटा, ठीक है। अब जैसे उससे मैंने मांगा, सो Amazon अपने डेटाबेस में गया, उससे अपने डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की, और उस प्रोसेसिंग करके से वही डेटा उठा के लेके आया, ठीक है जी, जो हमें चाहिए। वो डेटा नहीं है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? सो किसी को भी काम करने के लिए, किसी भी फील्ड में आपको काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। बट इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी डेटा प्रोसेस करने के लिए। अरे बात समझ, हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप सब लोग एनआईटी आए, आपने कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, तो वो फॉर्म कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो गया डेटा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आज कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कल नहीं आना, लेट्स सपोज, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, तो मैंने एडमिन को बोला मुझे पाइथन के स्टूडेंट्स के नाम दे दो और नंबर दे दो, मोबाइल नंबर, ठीक है जी, राइट, जो सुबह 10 o'clock आते हैं, ठीक है ना। उनको अब अपने डेटा को प्रोसेस करना है, सबसे पहले तो उनको निकालना है सुबह 9 to 11 वाले, क्या 10 to 11 वाले बैचेस, फिर उनको निकालना है उसमें से पाइथन का बैच, फिर उसमें से निकालना है जो सिमरसर बैच ले रहे हैं, फिर उसमें से भी उनको आप सबके फॉर्म में से सिर्फ नेम निकाला, मोबाइल नंबर निकाला, ना मैंने आपका एड्रेस पूछा, ना मैं अपने गार्डियन का नाम पूछा, ना मैंने आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जो आप फिल करके गए थे उधर, मैंने सिर्फ क्या मांगा, नेम एंड नंबर। ये बात समझ में? तो ये सारा डेटा प्रोसेस करने के बाद जो मुझे दे रहे हैं, जो मुझे मेरे काम करने के लिए चाहिए था, वो मेरे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन। क्या है, इन्फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? सो किसी भी कंपनी को काम करने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। इसीलिए जिस फील्ड में आप लोग काम करते हैं उसे हम आईटी बोलते हैं, ठीक है जी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसका बहुत सिंपल मकसद है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या हम ऐसी नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जो कंपनीज को क्या प्रोवाइड कर सके, ताकि वो स्मूथली रन कर सके। अरे बात समझ, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता दिन के क्या बजे हैं, 5 o'clock रात के 2 o'clock, मुझे देखना है कि मेरी फाइनेंशियल हालात क्या है। तो कंपनी ने क्या मुझे ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकूं कि मेरे फाइनेंशियल क्या कंडीशन है? तो हाँ, उनकी एप्स होंगी, उनकी वेबसाइट्स होंगी कि मैं बिना बैंक जाए भी उसे क्या कर सकता हूँ, असेस कर सकता हूँ। आ रही बात समझ, ठीक है जी, राइट। तो एक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने हमें कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेके कहीं भी बैठे। सो जो आईटी है, आईटी फील्ड, जब हम पूछते हैं कि आईटी क्या है, आप लोग रटा लगा रहे थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म नहीं पूछा किसी ने, आपसे पूछा गया कि आईटी है क्या। सो आईटी का मतलब ही यही है, इस पूरी इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो सिर्फ इस वर्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज मेरे कितने बैचेस हैं, कौन से बैच किस वेन्यू में है, किस टाइम पे है, तो मैं प्लान नहीं।
अगर बैंक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास कितने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है या क्या क्या है, तो वो प्लान नहीं कर सकता कि वो नई पॉलिसी क्या निकालेगा। अरे बात समझ, ठीक है जी। राइट, अगर डोमिनोज के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस टाइम पे कितने कस्टमर एवरेज उसके पास आते हैं विजिट करने रोज, तो पॉलिसी नहीं निकाल पाएगा नया रूल के 259 पे 259 का पिज्जा वेडनेसडे को फ्री। समझ में आ रही है बात? जो भी चीज आप देखते हो, जो भी डिसीजन आप देखते हो या जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, उनके पीछे क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके पीछे इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करके, उसे एनालाइज करके फिर डेटा आपको जो भी आप देखते हो आउटपुट में वो मिलता है। आपकी कोर्स की फीस कितनी होगी उसके ऊपर पहले डेटा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसका रेट निकलता है कि ये कोर्स की इस मंथ में ये फीस है। अरे बात समझ में, ठीक है जी। राइट, सो एक टॉफी की प्राइस से लेके एक जहाज की जो आपकी टिकट होती है उसके प्राइस तक पीछे डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए अलग फील्ड है, यस, उसके लिए एक अलग फील्ड आ चुकी है जिसे आप डेटा एनालिटिक्स बोलते हो। अभी हम उसमें नहीं जाना चाहते, उसे हम डेटा साइंस भी बोलते हैं। डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस आजकल बहुत ज्यादा टर्म्स चल रही है दोनों, ठीक है जी। राइट, सो बट ओवरऑल ये है कि हमें अपने काम करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, ठीक है। आईटी का गोल क्या? आईटी का गोल है कि इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम। दिस इज अ गोल ऑफ आईटी इंडस्ट्री। सो व्हेन आई से एनी टाइम, ये पॉसिबल किया जा रहा है, हो भी चुका है थ्रू इंटरनेट, ठीक है। आपके पास इंटरनेट है, एप्स बना ली, जिस टाइम पे मर्जी डेटा का इंफॉर्मेशन क्या कर लो, असेस कर लो। अगली बात समझ, जब व्हेन वी से एनीवेयर, तो एनीवेयर पे काम किया जा रहा है। एनीवेयर का मतलब है कहीं पे भी इंफॉर्मेशन असेस करनी है, ठीक है जी। सो हमने डेस्कटॉप को छोड़ के लैपटॉप दे दिए, लैपटॉप से भी पोर्टेबल करके टैबलेट दे दिए, टैबलेट से भी पोर्टेबल करके स्मार्टफोन दे दिया, कहीं पे भी लेके जाओ, ठीक है जी। राइट, अब हम लोग कहते हैं लैपटॉप पोर्टेबल है, हम इसे कहीं पे भी लेके, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। मैं किसी का हालचाल पूछने जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है जी, वहां पे मुझे कोई जरूरत पड़ जाती है इन्फॉर्मेशन की, क्या इज इट सिविलाइज के मैं लैपटॉप साथ लेके जाऊंगा वहां पे? नहीं ना, ठीक है। अब तो मोबाइल फोन पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या हम हर जगह उसे कैरी कर सकते हैं? डिबेट हो रही है कि हर जगह लोग मोबाइल फोन ओपन करके उसको और सिंप्लीफाई किया जा रहा है। वेयरेबल टेक्नोलॉजीज आ रही है, ठीक है जी। राइट, सो वेयरेबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच आ गई, उसको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। राइट, सो वो एक अलग डिबेट का इशू हमारे पास किसी दिन हो सकता है, बट ये बेसिकली हम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी टाइम पे हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, असेस कर सके। तो जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी आप नाम सुन रहे हो, वो सब इसी से जुड़े हुए नाम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ अब हम डेटा से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और हम कंपनीज की बात करते हैं। सो व्हेन वी से आई हैव अ डेटा, ठीक है जी। राइट, द सेकंड टर्म दैट कम्स टू आवर माइंड इज डेटाबेस, ठीक है। सो डेटाबेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ठीक है। सो डेटाबेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। अब याद रखना, जो लेक्चर आज मैं ले रहा हूं ये सेम लेक्चर है, चाहे आप जावा पढ़िए, चाहे आप पाइथन पढ़िए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, उसमें ये लेक्चर सबके लिए सेम रहने वाला है। सो अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, ठीक है। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। सो अभी आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो, सो आपकी कॉपी क्या है? डेटाबेस। तो आपकी कॉपी क्या है? सर, कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे बात समझते, तो आप अपनी कॉपी को डेटाबेस बोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर बोल सकते हैं, बोलते नहीं है, बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। सो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम आप कहते हो कि आपके लैपटॉप में आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, या मोबाइल में गैलरी में एल्बम्स बना लेते हो, ठीक है जी, फ्रेंड्स बर्थडे, ठीक है जी, मसूरी ट्रिप, तो वो जो एल्बम्स है वो क्या है? डेटाबेस, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है जी। राइट, तो उसमें आपने कलेक्शन रखा है डेटा का, ठीक है। बट उसमें हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सो मैंने ऐसे लॉजिकली रिलेटेड डेटा मतलब एक जैसा डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मोबाइल फोन में एल्बम बनाई बर्थडे पिक्स, माय बर्थडे पिक्स, तो उसमें आप क्या रखना पसंद करोगे? अपने बर्थडे की पिक्स। अच्छा, ऐसा कोई रूल तो नहीं, कोई और पिक नहीं रखा होगा? कंप्यूटर को तो नहीं ना पता
इट इज जस्ट कि आपने अपने दिमाग के लिए आपको लगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो गई है, बड़ी फोटोज हो गई है, इसको मैं एल्बम्स में क्या कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। और ये बात समझ में, तो एक जैसी चीजें एक फोल्डर में डाल देता हूँ, तो आपने उस फोल्डर को क्या बोल दिया, डेटाबेस। क्या बोल दिया? तो डेटाबेस बेसिकली हम किसे बोलते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। यानी एक जैसा डेटा जब हम एक जगह पे रख देते हैं तो हमसे क्या बोल सकते हैं, जैसे पाइथन का डेटाबेस है, सब लोग पाइथन के लोग बैठे हैं, ठीक है जी, राइट। एक जैसी चीज है, तो सेम कंपनी कहती है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर डेटाबेस, इसका मतलब उसमें से किसका डेटा है, कस्टमर का डेटा। अगली बात है ना, एम्प्लॉय डेटाबेस, तो इसका मतलब उसमें से किसका डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा, कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। So, ये एक कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब अगर हम प्योरली डेटाबेस की बात करें तो मैं फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है जी, वो हमने सिर्फ एक समझाने के लिए आपको नाम दिया। डेटाबेस हमारे पास कंप्यूटर में को कंटेनर होंगे जहां पे हमारा डेटा जाके क्या होना है, और उसे हम आपकी तरह मतलब कि जैसे हम डबल क्लिक करके चला लेते हैं वैसे नहीं चला सकते, याद रखना। उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पेशल। आप डायरेक्टली किसी भी डेटाबेस को कंपनी के नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर बनेंगे, ठीक है जी। उन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर बनेंगे आपके, ठीक है जी, राइट, जो आपके डेटाबेस को मैनेज करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मैनेज की, तो मैनेज का क्या मतलब है, मैनेज का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर, मैनेज का मतलब है उसकी मैनेजमेंट, मैनेज का मतलब है उसकी सिक्योरिटी। तो जो सॉफ्टवेयर ये तीन मेजर चीजें और भी करता होगा, बट ये तीन बेसिक चीजें कर रहा है डेटाबेस के ऊपर, वो सॉफ्टवेयर क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हेन आई से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा किस तरह से, उस स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है जी, राइट। सॉफ्टवेयर बताएगा, जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो वो बताएगा डेटा कैसे स्टोर करना है, डेटा फाइल फॉर्म में स्टोर करना है, डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर करना है, डेटा नेटवर्क फॉर्म में स्टोर करना है, किस फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, वो कौन बताएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगली बात समझ, फिर डेटा को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सो मैनेज का मतलब है कि डेटा कैसे आप देख सकते हो, डेटा कैसे एंटर होगा, डेटा को कल को अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारा काम आपको कौन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस तरीके से आप डेटा को मैनेज करोगे, ठीक है। सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी, राइट। तो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए किसी भी डेटा की सिक्योरिटी। तो क्या डेटा को कैसे सिक्योर करना है, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा 15-20 मिनट, बट दाम अभी आपको पता लग जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है वो हमारा कौन मैनेज करता है, ठीक है। DBMS पे कुछ खामियां थी जो वो टाइम ठीक की गई, ठीक है जी, और उसका एडवांस वर्जन बना दिया गया RDBMS, ठीक है जी। सो इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर। सो RDBMS इज DBMS ओनली, ठीक है, बस उसमें एक R जुड़ गया। सो R क्या है, R स्टैंड फॉर रिलेशनल, एंड रिलेशनल स्टैंड फॉर टेबल्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी, राइट। So, RDBMS में एक फर्क लाया गया कि जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स कर दिया गया। स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया, जितना डेटा स्टोर होगा कस्टमर का वो सारा किस फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल के फॉर्म, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है जी, राइट। जैसे मैं तुम्हें कोई एक वेबसाइट, ठीक है, नॉर्मली मैं एक वेबसाइट चला कर दिखाता हूँ तुम लोगों को, आई होप चल ही रही हो। वेबसाइट है एक नॉर्मल, देखियो उस सारी वेबसाइट, ठीक है जी। सो एक वेबसाइट है नॉर्मल, ठीक है, इस पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या क्या कर सकते हैं, खुद को अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स क्रिएट अकाउंट विद एनी नेम, सो लेट्स जस्ट वी क्रिएट द नेम ऑफ साई, ठीक है, sai@gmail.com, याद पासवर्ड रखो 123456, ठीक है, कुछ एड्रेस रख लिया, ठीक है।
कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर दी इसी जगह पे, ठीक है। सो लेट्स सपोज लाइक बाय लगा लेते हैं, ठीक है। एंड विल सेट रजिस्टर, अकाउंट हो गया रजिस्टर, ठीक है, क्लियर। देखना लेफ्ट हैंड साइड ये डेटाबेस है, ठीक है। ये डेटाबेस है, ई कॉम स्टोर आया, फिर चेक कि मैंने कहाँ पे किया था, ई कॉम स्टोर देख रहे हो, ठीक है। इसमें एक टेबल आ रहा है किस नाम से, हाँ जी हो गया स्टोर, आ रही बात समझ, यही था, हाँ जी अभी बात समझ में। Netflix देख रहे हो, Amazon देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैंक की साइट चला रहे हो, पीछे साल से तुम्हारा डेटा स्टोर है परमानेंट, ठीक है। ये जो तुम प्रोडक्ट देख रहे हो, ये जो आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है जी, राइट, कहाँ से आ रहे हैं, देखो टेबल बना हुआ है प्रोडक्ट सामने, ठीक है। प्राइस समझ में आ रही है बात, ठीक है। जितना डेटा आप लोग यूज करते हो, जितने सॉफ्टवेयर वेबसाइट आप यूज कर रहे हो ऐप्स, उनका डेटा पीछे जो स्टोर है वो RDBMS फॉर्म में स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है। लेकिन जो RDBMS है उसमें क्या डिफरेंस है, DBMS है कि स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया गया, क्या स्ट्रक्चर कर दिया गया है, भी डेटा आपका स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल फॉर्म में, क्लियर है। कैसे होगा वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो जितना भी डेटा है वो RDBMS के अंदर हमारा स्टोर होगा, ठीक है। सो RDBMS बेसिकली एक मैथडोलॉजी है, क्या है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। किस तरह से डेटा क्या करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, ठीक है। अब इसे स्टोर करने के लिए मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या आते हैं, ठीक है। अब टेलीफोन एक टेक्नोलॉजी है, बट उस पर बात करने के लिए क्या आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं आपके पास मार्केट, वैसे RDBMS को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने सुने होंगे नाम, ऑरेकल, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, DB2, माइक्रोसॉफ्ट असेस, ठीक है जी, राइट। तो इस तरह के मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर किस बेस पे है, RDBMS, किसमें थोड़ी ज्यादा पावर है, किसमें थोड़ी कम पावर है, डिसाइड करना पड़ता है कि अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, बट सबके फीचर सेम है ऑलमोस्ट, अभी बात समझ में, ठीक है जी। सो जब हम कहते हैं हम RDBMS सीखेंगे, ठीक है जी, राइट, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर है, याद रखना, ठीक है। तो आपको अगर डेटाबेस कंपनी का बनाना है, जहां पे हमने कहा था डेटा स्टोर होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज, अभी जो आपने देखा सॉफ्टवेयर वो MySQL था, कौन सा था, अगली बात समझ, ठीक है। फिर थर्ड आता है लैंग्वेज, क्या आता है, जैसे मैंने कहा आप डेटाबेसिस को डायरेक्टली रिट्रीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, क्लिक क्लिक करके, जैसे आप नॉर्मल फाइल कंप्यूटर की क्लिक कर लेते हो एक्सेल वगैरह की, तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज का नाम है SQL। लोग SQL को बच्चे इसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, नहीं करना, SQL एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है जी। इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस, क्लियर, ठीक है। सो ये लैंग्वेज आपकी यूज होती है, सो आप पाइथन यूज करो, आप जावा यूज करो, आप कुछ भी यूज करो, अगर आपको डेटाबेस पे जाके डेटा स्टोर कराना है या देखना है उसमें से, तो पीछे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, समझ में आ रही हो, ठीक है। लैंग्वेजेस का काम है सिर्फ लॉजिक लगाना, ठीक है, या प्रेजेंटेशन बनाना, लेकिन डेटा स्टोर काम करना लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नहीं,
उसके लिए उन्हें कौन सी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एसक्यूएल लैंग्वेज। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। और जो डेटा स्टोर होगा वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में स्टोर होगा। क्लियर? ठीक है जी, राइट। एंड वो जो सॉफ्टवेयर है किसी ना किसी सिद्धांत पे बना होगा, किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे बना होगा। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? अरे बात सुन, अब मैं ये तीन चीजें आप लोगों को क्यों अलग अलग बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। इंटरव्यू करने के लिए गए, किसी ने पूछी आपको एसक्यूएल आता है, नहीं सर मुझे ओरेकल आता है। पढ़ने के बाद भी हमें पता नहीं होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ कंपनीज के, तो ये आंसर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ओरेकल यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हो, MySQL यूज कर रहे हो, लैंग्वेज पीछे कौन सी चलनी है? अब ये सुनना है कि हम लोगों ने लावा लोकल मोबाइल लिया तो हम अपने फ्रेंड के साथ हिंदी में बात करेंगे, आईफोन लिया तो चाइनीज में बात करेंगे, ठीक राइट? बात तो आपने वही करनी है ना, इस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, से लैंग्वेज एसक्यूएल ही यूज होंगे चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए। तो जो कमांड ओरेकल में चलनी है 99% वही कमांड कहां पे चलनी है? क्लियर? अब मुझे कस्टमर को एक लेटर लिखनी है, अब वो लेटर जो है मैं वर्ड में लिखूं, नोटपैड में लिखूं, वो तो मेरी मर्जी है ना, लिखने को लेटर ही है। उसके लिए मेरे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, मेरी जो मर्जी होगी वो यूज कर लूंगा, ठीक है राइट। सो पहले ये तीन चीजें बस ये पता लग गया आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है राइट। सो हम डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज आपकी सेम ही यूज होगी, कौन सी? एसक्यूएल, ठीक है। तो इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं, वापस डीबीएमएस में चलते हैं कि डीबीएमएस की जरूरत क्यों है, आरडीबीएमएस डीबीएमएस क्यों जरूरत है भाई इनकी। तो याद रखना जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे तभी तो दुनिया काम करती थी ना, तभी तो डेटा क्या होता था, स्टोर होता था, वो बड़ी बड़ी खड़ियों में लेजर बुक्स, पहले अकाउंटेंट नाम हो गए, उससे पहले मुंशी नाम होते थे, ठीक है जी राइट। सो कंपनीज के लोग डेटा स्टोर करते थे, ठीक है। बट जब मैनुअली डेटा स्टोर होता था या प्रॉपर डीबीएमएस में स्टोर नहीं होता था, ठीक है जी, तो तीन तरह की प्रॉब्लम आपके पास हमेशा रहती थी, वो थी अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अभी भी है, ठीक है जी, वो तो हमेशा रहेंगे, बट ये तीन मेजर इश्यूज हमारे पास हमेशा रहे हैं, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो डेटा या जो सॉरी इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं, जब हम मांग रहे हैं और जब हमें मिल रही है उसमें कितना को डिफरेंस है। अरे बात, जब कंप्यूटराइज नहीं थे कभी बैंक तुम लोग गए नहीं होंगे, तो जब कंप्यूटराइज नहीं थे अपने पेरेंट्स को पूछना, वो बैंक जाते थे यार मेरी ट्रांजेक्शन निकाल दो, पिछले महीने की स्टेटमेंट दे दो, वो कहते थे सर अगले हफ्ते आना फ्राइडे को, ठीक है राइट। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन रखा होता था कि इस दिन हम सब सबकी ट्रांजेक्शन ही देंगे, ठीक है जी, वो जाएंगे स्टोर रूम के अंदर थद्दे निकालेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर जिनको सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगली बात, ठीक है जी। सो टैट वॉज टू लॉन्ग, व्हेन आई से टैट इट मीन्स, ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा बिजनेस में, टर्न अराउंड टाइम, क्या बोलते हैं कि जब हम चीज मांग रहे हैं जब हमें मिल रही है उसमें कितना डिफरेंस। आज तो आपको बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप खोलो साथ ही आपको मिल जाती है स्टेटमेंट, अगली बात समझ में। लेकिन जब कंप्यूटराइज नहीं था, मैनुअली था, ये प्रॉब्लम थी अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। आप 5 बजे के बाद बैंक जाएंगे सर, बैंक बंद हो गए, कस्टमर सर्विस के लिए 4 बजे बंद हो गए, उसके बाद आपको मिलना ही पता है अगले दिन जाएंगे, कोई इमरजेंसी पड़ गई नहीं पता, दोस्तों से लो पैसे, रिश्तेदार से लो, अगले दिन लेके बैंक में निकाल के दे दो, ये प्रॉब्लम थी ना, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो टाइम लगता था उसको प्रोसेस करने, अगली बात समझ, ठीक। कंपनी के लिए मुश्किल थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे एज अ बैंक देखना है कि आज अभी मैं कितना बिजनेस कर चुका हूँ, आज अभी 11 बजे हैं, लेट्स स्टार्ट दिस, मैं एग्जाम्पल या शोरूम है मेरा कोई मैकडॉनल्ड, मैं देखना चाहता हूँ अभी तक कितने मेरे बर्गर बिक चुके हैं, नहीं पता कर सकता मेरा कंप्यूटर। शाम को हर ऑफिस अपनी फाइल अपलोड करेगा, ठीक है जी, फिर पहले वो रीजनल ऑफिस में आके इकट्ठी होगी, फिर हर रीजन से जाएगी, ठीक है जी, फिर शाम फिर इकट्ठी होगी, फिर मालिक को पता लगेगा यार इतना बिजनेस हुआ, कहाँ से डेटा इकट्ठा, तो डिसीजन मेकिंग भी उतनी डिले हो जाए, डिसीजन मेकिंग भी तो डिले है ना। अब आपको अगर 3 दिन बाद पता चल रहा है कि 3 दिन पहले मैंने इतना बिजनेस किया था, तो आप कहाँ पे डिसीजन ले लोगे इतनी जल्दी, समझ में आ गई बात? सो इमीडिएट तो था नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट मिल नहीं रहे आपको, ठीक है जी राइट।
सो अवेलेबिलिटी हमारे लिए सबसे बड़ा क्या था? देन द इशू वॉज इंटीग्रिटी. सो इंटीग्रिटी मीन्स करेक्टनेस. इंटीग्रिटी मीन्स करेक्टनेस. कितना को हमारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है उसके ऊपर भी बड़ा डाउट रहता था. ठीक है, घर से लड़के आए, ठीक है, दिमाग में प्रेशर है, मैनुअल कैलकुलेशन हो गई, गलत हो सकती है, एक आधा जीरो आगे पीछे हो गया, अगले का तो बहुत कुछ बदल गया. अरे बात समझ में. अब मैनुअल कैलकुलेशन में आप कहते हो मेरे से पॉइंट की गलती होगी, लेट्स जस्ट मैं कहता हूं पॉइंट की गलती होगी, तो पॉइंट की गलती हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं. हम लोग भी अपनी बैंक स्टेटमेंट में कभी पॉइंट के पीछे देखते नहीं, 70 पैसा 10 पैसा. अब कंपनी के बारे में सोचो जिसके 100 आउटलेट्स हैं या 1000 आउटलेट्स हैं. ठीक है जी भाई, एक कस्टमर के पीछे भी 10 पैसे की गलती हो रही है, तो 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना कस्टमर आया आपका, कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है ना ओवर द टाइम. सो अगर रोज की अमाउंट प्लस करते रहो तो कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा एट एंड ऑफ द मंथ. समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, राइट. सो इंटीग्रिटी इज अ बिग कंसर्न. ठीक है, राइट. डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है डेटा की, उसके बाद गलती होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए, आप कस्टमर आया, आपने कस्टमर को रसीद काट के दे दी. अब आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है कि आपने पीछे वो ब्लू कलर का डाला हुआ था और पीछे वो छप गया, अब वही आपका प्रूफ है. अब वो कहीं पे कल को फट गया तो क्या करोगे? अब आप क्या करोगे, उसकी कॉपीज बना लेते हो, 3-4 कॉपीज उसकी बना के रख दी. ठीक है जी, राइट, ताकि एक अगर घूम गया तो दूसरा. अब आपके पास एक ही डेटा कितनी जगह पे है? कल को कोई चेंज होना था, आपने 2 जगह पे कर दिया, 1 जगह करना भूल गए. उसके बाद जब आपने रेफर किया तो आपने उस जगह पे रेफर किया जहां पे आपने चेंज नहीं किया था. है कि नहीं प्रॉब्लम्स? ठीक है जी, राइट. लॉट ऑफ इंटीग्रिटी इश्यूज वर देयर. इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली कितनी को करेक्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था बिना डीबीएमएस से. क्लियर होगी बात? ठीक है, राइट. एंड देन वी हैव अ सिक्योरिटी. चलो बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा. तो सिक्योरिटी क्या है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? मैं ये नहीं पूछ रहा डाटा सिक्योर है या नहीं, मुझे बताओ सिक्योरिटी का मतलब क्या है. यू से ऑथराइज्ड पर्सन क्या करे? असेस. चलो ठीक है, गुड, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर. कुछ और? दिमाग के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है लाओ से, मुझे पता है ठंड बहुत है. कुछ तो ऐसा बोलो कि मैं लिख सकूं. कुछ तो ऐसा बोलो. सेफ है? कहां से सेफ है? जब हम सिक्योरिटी को सोचते हैं ना तो हम लोग वाइडली नहीं सोचते. बीइंग अ पंजाबी हमेशा सोचते उससे मेरा नुकसान कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने जब भी यहाँ पे बात की हमने किसकी बात की कि दूसरा हमारे डेटा का क्या ना कर दे नुकसान. ठीक है, तो सिक्योरिटी को बहुत ही वाइडली यूज करना आपने सोचा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कॉपी लो, हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है जी, सो लेट्स सपोज ये मेरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सो मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ किसे डेटा, साथ में पानी का ग्लास पड़ा है, मेरा हाथ पड़ गया, डेटा खत्म, क्या कर लोगे? कौन से हैकर से बचा लिया तुमने? ये मेरी कंपनी के इस साल के कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, इस पे पानी गिर गया, क्या कर लोगे? नहीं कर सकते ना. ठीक है जी, राइट. फॉर एग्जांपल सेकंड देखो, लेट्स सो इस सिक्योरिटी की बात कर लो, इस पे आपके कस्टमर का रिकॉर्ड है, क्या आप कह सकते हो कि अगर ये हैकर के हाथ में आ गया, चोर के हाथ में आ गया, लेट्स मैंने इसे खोला, तो सिर्फ वो पहला कस्टमर का डेटा देख सके, दूसरे का ना देख सके, सब कुछ एक्सपोज है ना, तो कोई रिकॉर्ड बेस्ड सिक्योरिटी है? चल एक रिकॉर्ड एक्सपोज हो गया, 2 रिकॉर्ड एक्सपोज हो गए, बाकी तो बच्चे हैं. अभी बात समझ में? ठीक है जी, चलो. फिर भी ना पानी का गिलास पड़ा. ठीक है जी, कुछ नहीं, ये मेरी बिल्डिंग है. ठीक है, शाम की बात करते हैं, डर जाऊंगा रात को. ठीक है जी, आग लगी इस रूम में. ठीक है जी, राइट, सारे डॉक्यूमेंट जल गए, क्या कर लो? वेस्ट कंट्रीज जहाँ पे हरिकेन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है. ठीक है जी, हरिकेन आया, आपकी बिल्डिंग उड़ गई जहाँ पे डेटा था, डेटा गया. ठीक है जी, क्या कर लो?
समझ में आ रही है बात? So when we talk about security, na, we don't only talk about intentional, ठीक है जी, जो damage हो रहा है. We also talk about natural calamities. We talk about accidental, ठीक है जी, right? Corruption data. Microsoft बचाता है ना आपको? कुछ गलती delete करते हो तो पहले पूछ लेता, भाई are you sure you want to delete? मुझे लगता है शायद गलती से ना delete कर रहे हो आप, आपका हाथ तो नहीं लग गया, ठीक है जी, right? फिर भी वो recycle bin में डाल देता है, अगर तुम बोल भी लो काफी, कल को अगर जागो तो तुम वहां से भी ले सकते हो. आ रही बात समझ में? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी, बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से आपको सिक्योरिटी को सोचना है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सिक्योरिटी इज नॉट ऑलवेज किसी इंटेंशनल थ्रेट से आप बचा रहे हो या नुकसान से बचा रहे हो. यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट एक्सीडेंटल, यू हैव टू थिंक अबाउट नेचुरल क्लैमिटीज. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम पुराने जमाने में, ठीक है, जब कंप्यूटर पहले, ठीक है. So, ये सिक्योरिटी का कंसर्न हमारे पास हमेशा रहता है, ठीक है, राइट. सो अभी हम बात करेंगे डेटा सिक्योर कैसे करना है थोड़ी देर में, बट ये तीन कंसर्न हमारे पास क्या है हमेशा. सो ये तीनों कंसर्न का आंसर हमें कौन दे देते हैं? डीबीएमएस, या जिन्हें अभी आप लोग क्या बोल रहे हो नए वर्जन में, आरटीबीएमएस. सो आरटीबीएमएस का काम है डेटा हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रहे, डेटा में इंटीग्रिटी इशू कम से कम है, डेटा रिडंडेंसी कम से कम, डुप्लीकेसी, ठीक है जी, राइट. एंड देन आपका डेटा क्या रहे, आरटीबीएमएस. जब डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो सिर्फ अगेन सिक्योरिटी इस परस्पेक्टिव से नहीं कर रहा कि वो आपका डेटा बचा रहा है, उस चीज का ट्रैक भी रखता है कि कौन उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन क्या काम किस टाइम पे कर रहा है. अरे बात समझ में? अब बैंक में फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, अब तो जो बैंक में बेचारा ऑफिसर बैठा है वो भी निकाल सकता है, उसको तो आपके बैंक अकाउंट का पता है, बैंक ऑफिसर पता है बैठा, उसको पता है इसके अकाउंट में इससे पैसे इसने आना नहीं है, दो साल मैं तो वैसे बैंक छोड़ के जा रहा हूँ, क्या गुमला करके जाऊँ, ठीक है जी, राइट. तो वैसे निकाल सकता है, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहा है वो ट्रैक रख रहा है, उसे पता है कि मेरी ट्रैकिंग हो रही है, किस लॉगिन आईडी से वो क्या काम कर रहा है, पकड़ा जाएगा. सो डीबीएमएस सिर्फ आपके डेटा का ट्रैक नहीं रखते, DBMS ये भी ट्रैक रखते हैं कि उस डेटा पे कौन क्या काम करता है. बात समझ? तो आपके सारे एक्शंस भी DBMS रिकॉर्ड करता है. तो डेटाबेस, DBMS दो फाइलें बनाता है, एक बनाता है डेटाबेस, कौन सी, जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा, और एक बनाता है लॉग डेटाबेस. क्या बनाता है? उसमें ये स्टोर होता है कि कौन किस टाइम पे क्या कर रहा है उस डेटाबेस, ठीक है. तो आपकी हिस्ट्री हमेशा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, लॉग फॉर्म में स्टोर, ठीक है. तो ये डेटा आपका हमेशा सिक्योर रहता है, क्लियर हो गया, ठीक है. सिर्फ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से अगर बात करें, अभी हम आरटीबीएमएस और बड़ी चीजें मिक्स कर रहे हैं, आज मैं बहुत चीजें मिक्स कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है कुछ टर्म्स का हमारे ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है जी. सो व्हेन आई से सिक्योरिटी, ठीक है जी, राइट, सो देयर आर टू वेज टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी. वन इज ऑथेंटिकेशन, सेकेंड इज ऑथराइजेशन. ये भी दो अलग अलग चीज है सिक्योरिटी के लिए. सो मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा हूं कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड, दैट इज द वे यू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी, ठीक है जी, राइट. आपने फिंगरप्रिंट लगाना है, फेस रिकॉग्निशन चाहिए, या यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कितना सीरियस मैटर है, कितना सीरियस डेटा है, उसके ऊपर आप उसे लगा सकते हैं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी को. अगर टेक्निकल देखो तो कितने तरीके हैं सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के, दो, एक ऑथेंटिकेशन एंड एक करो किस तरह से मर्जी, यूजर आईडी पासवर्ड फिंगरप्रिंट जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी, राइट. बट ये दो तरीके क्या है, कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन? तुम लोग सब ऐसी शक्लें देखने लग पड़ते हो जैसे आपसे पूछा जाता है कि चलो रहने दो, मैं आगे वाला फिलअप नहीं भरता. हाँ ओके, ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट.
ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है जब हम किसी को सिस्टम के अंदर एंटर होने से पहले चेक कर रहे हैं कि वो सिस्टम का पार्ट है या नहीं, तो हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सो आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, विंडोज ऑन आती है, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, जैसे अकाउंट आता है, तो आपका विंडोज आपको क्या कर रही है, ऑथेंटिकेट. क्या कर रही है? ऑथेंटिकेट. ठीक है जी, राइट, कि भाई ये एसी का कंप्यूटर है या नहीं. अब मैं बाहर गार्ड खड़ा कर दूं, ठीक है जी, उसे कहूं कि आज सिर्फ स्टूडेंट आएंगे और स्टाफ आएगा, विजिटर कोई नहीं आएगा आज, तो आपको शायद कोई कार्ड मिला या नहीं मिला, मुझे नहीं पता, बट एज्यूम करके चलते हैं. तो वो गार्ड आपके कार्ड चेक कर रहा है, ठीक है, टीचर कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, तो वो चेक करके हमें अंदर आने दे रहा है, ठीक है जी, राइट. तो वो बेसिकली क्या प्रोसेस कर रहा है? ऑथेंटिकेशन. कि सिस्टम के अंदर वही आएगा जो सिस्टम का क्या है, अरे ये बात समझ, सिस्टम का पार्ट नहीं है वो सिस्टम के अंदर ना, ठीक है जी. तो अब जो ऑथेंटिकेशन ये हमारे लिए आसान कर देता है कि जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है वो सारे सिस्टम के अंदर एंटर हो, जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एंटर ना. तो अब हम थोड़ा सेफ है, ठीक है जी, राइट. नहीं, अब और खतरा बढ़ गया. एज्यूम करो, लेट्स सपोज, अभी तो मैं आईआईटी, आपको पता ही, एक दो लेक्चर्स के लिए आता हूँ, बट 14 इयर्स से मैं यहाँ पे हूँ फुल टाइम के पहले. सो अब लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ कि जितना नुकसान मैं इस बिल्डिंग को पहुंचा सकता हूँ उतना कोई और नहीं पहुंचा पाएगा. क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ, जो नुकसान आप पहुंचा सकते हो कोई और बाहर का पहुंचा के नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपको पता है कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, क्या चीज कहाँ पे है. बात समझ में? So, पहला प्रोसेस था फिल्टर करने का, जिन लोगों को हम नहीं जानते वो बाहर निकल गए. अब हमारे सिस्टम में वो लोग हैं जिन्हें हम, ये उससे भी खतरनाक है, ठीक है जी, राइट. तो अब हमें मेक श्योर करना है कि जो मेरे सिस्टम के अंदर लोग हैं वो उतना ही काम कर सके जितना उनका राइट है. एक बैंक का क्लर्क उतना ही काम कर सके जितना क्लर्क को एक राइट होना चाहिए, एक बैंक का ऑफिसर उतना ही काम कर सके जितना उस ऑफिसर को, और एक बैंक का मैनेजर उतना ही काम कर सके जितना एक मैनेजर को राइट है. आ ये बात समझ? मैनेजर लोगों के लोन ना माफ कर दे, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है लोन माफ करने की, ठीक है, लेकिन ये राइट किसके पास नहीं होगा? मैनेजर के पास नहीं हो सकता है, ये रीजनल ऑफिस के मैनेजर के पास हो, ये क्लर्क के पास तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. आप कभी नहीं चाहोगे कि इस ऑफिस का क्लर्क बैठ के आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सके, आपके मोबाइल नंबर से हैं, घर के एड्रेस से हैं. ये बात समझ में? ठीक है, राइट. तो अब हम उनको सिर्फ उतना ही राइट देंगे जितना कि वो काम कर सकते हैं, यानी हर कोई सेम सॉफ्टवेयर से एंटर होगा लेकिन अंदर ऑप्शन उतनी दिखेंगे जितना उसको राइट है. इसे हम बोलते हैं ऑथराइजेशन. क्या बोलते हैं? ऑथराइजेशन. अब ये बात समझ गए, क्लियर होगी बात? तो किसी भी सिस्टम में जब आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो तो दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हो. ऑथेंटिकेशन मतलब सिस्टम में चेक करना कि अंदर आ सकते हैं कि नहीं. अंदर आगे अब जितना काम होगा उस बेस पे होगा कि आप क्या ऑथराइज हो, आपको क्या पावर दी गई. अरे बात समझ में? अब वही ऑप्शंस क्या कर सकते हैं यूज़, ठीक है. अब आप विंडोज में लॉगिन होते हो, आपको तो ज्यादा शायद आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते होंगे, एक दो बच्चों ने किया होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि आप विंडोज में जब आप इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे विंडोज, ठीक है जी, राइट, तो जो अकाउंट आपको बना के दिया जाता है वो बाय डिफॉल्ट ऑथराइज होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. क्या होता है? आप कुछ भी करो, बट आप एक और यूजर्स बना सकते हो अपने घर के अकॉर्डिंगली और उनको लिमिटेड राइट्स दे सकते हो. तो सब सेवी लॉगिन आईडी से होंगे एंटर, पासवर्ड से, लेकिन सबके ऑथराइजेशन क्या होगी? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट. सो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किसी भी कंपनी में इस तरीके से की जाती है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. अब इसको लो लेवल पे जाके देख लो, ठीक है जी. अब नेटफ्लिक्स है, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो? yes. हर कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेता है ना, कोई वन यूजर लेता है मोबाइल का, कोई एचडी फिल्म वाला ले लेता है, कोई मल्टीपल स्क्रीन वाला ले लेता है, प्लान है ना उनके अलग अलग, ठीक है जी. तो जब आप प्लान लेते हो तो एक तरह से आपके अकाउंट को ऑथराइजेशन मिल जाती है ना कि कौन सा जो ऑथराइज हो वही प्लान से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. अरे बात समझ? ठीक है जी, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अमेजन है, सो अमेजन प्राइम एंड नॉन अमेजन यूजर्स, अमेजन प्राइम में तो शिपिंग फ्री मिल जाएगी, ठीक है जी. तो ये आपकी ऑथराइजेशन होगी ना एक तरह की, कि क्या हमारे रोल के ऊपर चीजें वैलिड है. अरे बात समझ में? क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट. सो ये ऑप्शन आते हैं, क्लियर हो गया? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन. कितनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो?
ये इस बात पर डिपेंड करता है ठीक है कि डेटा की वैल्यू क्या है उस टाइम पे। मेरे अकॉर्डिंगली डेटा अलग अलग टाइप का होता है। एक डेटा तो जो होता है कौन सा है? एक डेटा क्या है मैक्सिमम बुक में जो ऑथर्स हैं हमारे वो इन दोनों को सेम मान के चलते हैं। मैं नॉर्मली अलग मान के चलता हूँ ठीक है, उसका रीजन अभी दे सकता हूँ। पब्लिक डेटा जो है वो क्या है? कोई भी सर्च कर सकता है, अमेज़न पे गए प्राइस देखता है, देखो भाई पब्लिक किया हुआ है ना उन्होंने, तो हर डेटा को उतनी इज्जत दो जितना वो डिजर्व करता है, उतनी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपने अगर प्राइस भी देखा है तो कहीं नहीं कि पहले लॉग इन करो, अब नहीं देखोगे ठीक है जी। राइट, सो डेटा को देखना जरूरी है कि किस तरह का डेटा वैसे प्रोवाइड कर रहा है ठीक है। सो पब्लिक डेटा मेरे अकॉर्डिंगली मींस वी वांट इट टू बी एक्सेसिबल बाय ईच एंड एवरीवन। बात समझ में? प्राइवेट डेटा इज जो मैं डिसाइड करूंगा किसके साथ शेयर करना भी है या तो मेरा प्राइवेट डेटा है, अभी बैठे भाई मेरा मार्कर है, मैं डिसाइड करूंगा मैं किस फीचर के साथ शेयर कर सकता हूँ किसके साथ, मेरा प्राइवेट डेटा ठीक है क्लियर। तो ये प्राइवेट आ गया, तो आप डिसाइड कीजिए किसके साथ शेयर करना है किसके साथ नहीं शेयर। अभी बात समझ ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना ठीक है, नहीं करना चाहते आप ठीक है। सो वो हमारा कौन सा डेटा आ गया? मेरा आपकी कंपनी जहां पे आप पढ़ने आए उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे लिए क्या है? कॉन्फिडेंशियल। मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अपने कलीग्स के साथ शेयर करता हूँ कि नहीं यार ये मुझे इतना पे कर रहे हैं उसमें मुझे ये फैसिलिटीज हैं, वो मेरी मर्जी है ठीक है जी। राइट, अगर हो तो वो प्राइवेट हो, कॉन्फिडेंशियल है हम लोग इसे कॉन्फिडेंशियल मान के चलते हैं, शेयर ही नहीं करते किसी के साथ, शायद हम अपने घर वालों को नहीं बताते ठीक है जी। राइट, आप लोग कैसे ट्रीट करते हो? आपके मोबाइल में शायद कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जब घर वाला कोई मांग ले आपका मोबाइल फोन आपके दिल की धड़कनें ठीक है जी। राइट, सो आप कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है यार मेरा ठीक है जी। अगर आप शेयर कर लेते हो तो प्राइवेट है ठीक है। सेंसिटिव भी कॉन्फिडेंशियल ही है, एज आई सेड मैक्सिमम लोग सेंसिटिव को भी क्या बोलते हैं? मैं नॉर्मली सेंसिटिव तब बोलता हूं जब ऐसा डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा मुझे नहीं शेयर करना, सेंसिटिव भी नहीं शेयर करना, लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर सेंसिटिव डेटा शेयर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उस कैटेगरी को मैं कॉन्फिडेंशियल की जगह कई बार क्या बोल देता हूँ? सेंसिटिव। अब ये बात समझ ठीक है जी। आपके घर के कागज है आपने कहा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन बाहर भी आ जाएंगे तो कुछ हो थोड़ा जाएगा, आप ही के नाम पे रहेगा आपका घर ठीक है। अभी बात समझ ठीक है जी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी है, कोई कंपनी है वो अभी अपना कोई नया प्रोडक्ट बना रही है ठीक है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या प्राइसिंग होगी, कब लॉन्च करना है, ये उसके लिए सेंसिटिव डेटा है। अगर पहले लीक हो गया तो कंपटीटर बना देगा, डैमेज हो गया सारी मेरा सब कुछ डैमेज हो गया। अभी बात समझ में? तो उसे क्या काउंट करके चलूंगा मैं? अभी बात समझ क्लियर हो गया ठीक है जी। तो आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और डेटा की जर्नी मेरे अकॉर्डिंगली हमेशा चेंज होती है, तो सिक्योरिटी भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मुझे फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई कहती है कि आपने कंप्यूटर्स का पेपर बनाया है, और कंप्यूटर का पेपर है 23rd मार्च को 12th का, लेट्स सपोज 23rd मार्च को पेपर है ठीक है, तो 23rd मार्च तक ये जो डेटा है ठीक है जी। राइट, लेट्स सपोज 9 बजे पेपर, तो ये हमारे लिए कौन सा डेटा है? सेंसिटिव है मेरे अकॉर्डिंगली, आप कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली क्या है? सेंसिटिव, ये बाहर लीक नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ ठीक है। सुबह 9 बजे ये पहुंच गया कहाँ पे? स्कूल ठीक है जी, टीचर्स के हाथ में। ये डेटा क्या हो गया? उन्होंने डिसाइड करना है 12th का है तो 12th को देंगे, इस बच्चे को नहीं गया, सर फीस नहीं दी थी ठीक है, जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी इसको नहीं गया, तो प्राइवेट है उनका, स्कूल की मर्जी है वो कैसे पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे रख रहे हैं। अरे ये बात समझ, पेपर खत्म हो गया, एमबीटी गाइड में आ गया वो ठीक है जी, क्या क्या लास्ट 5 ईयर्स में चला गया ठीक है, पब्लिक डेटा हो गया ठीक है। अब इसको दोनों अपनी सिक्योरिटी देंगे, अरे बात समझ ठीक है। सो डेटा भी कई बार अपनी स्टेट जो है वो क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। सो ये कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स आपको लगता है शायद आपके सिलेबस में ना हो, इन चीजों में ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें बहुत मैटर
करती है, क्लियर होगी बात? ठीक है, सो ये हमारी डेटा की स्टेज है। सो जो ओवरऑल पिक्चर हमें यहाँ से चाहिए वो सिर्फ इतनी चाहिए कि जितना भी डेटा स्टोर होना है वो किसमें स्टोर होना है, RDBMS में टेबल्स फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, ठीक है जी, राइट। उसके लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, और उसके लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, SQL लैंग्वेज आनी चाहिए, क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये एक आपने ध्यान में रखा।